नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्जी। ये देख सकते हैं पीला वाला कद्दू है, सफेद वाला कद्दू नहीं है। इसकी सब्जी आपने बहुत सारे तरीकों के खाए होंगी, लेकिन आज हम बिना मसाले वाली कद्दू की सब्जी बनाएंगे। दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनेगी, उसमें हम कुछ ऐसा चीज डालेंगे जिससे सब्जी का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने ले लिया है मार्केट से कद्दू, मंगा लिया है। कद्दू हमारा 500 ग्राम है, यानी कि आधा केजी। आपको जितनी जरूरत हो उतना कद्दू लें, हमारे यहाँ इतनी ही जरूरत थी तो हमने इतना ही लिया है। ये देखिए बहुत ज्यादा पका हुआ कद्दू यह नहीं है, थोड़ा थोड़ा पका हुआ कद्दू है और यह एकदम कच्चा भी नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो पीछे वाला छिलका है कद्दू का, इसे हम पहले हम काट लेंगे। इसे इस तरह से देखिए, हम दो तीन टुकड़े इसके कर लेंगे, इस तरह से छील लेते हैं। बहुत ज्यादा कद्दू का छिलका नहीं हटाना है, इस तरह से हल्के हाथों से आप हटाइए कद्दू का छिलका। देखिए इतना पतला हम छिलका हटा रहे हैं। तो पहले छील करके हम कद्दू को धो लेते हैं, फिर इसे काटेंगे। कद्दू को हमने देखिए छील करके धुल लिया है, ऊपर का हमने छिलका हटा दिया है। इस तरह से आप छिलका हटा दें फिर धुलें। इसे हम पतले पतले टुकड़ों में काटेंगे, आपको जैसा पसंद हो आप काटिए, लेकिन ज्यादा मोटा ना काटें। ये सब्जी दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप जरूर इसे बना करके ट्राई करिएगा। दोस्तों अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ऐसे हमने काट लिया है, इस तरह से इतने छोटे टुकड़ों में। आपका अगर मन करे बड़ा टुकड़ा काटने का तो आप काट सकते हैं। इसे काट करके हम रख लेते हैं। हमने काट करके ले लिया है कद्दू को। अब हम दिखा देते हैं आपको तड़का जो सब्जी में लगाएंगे। तड़के के लिए हमने ले लिया है लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च ना खाना पसंद करते हो तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च से हमारा सब्जी बहुत ही तेज बनता है, यानी कि टेस्टी और हो जाता है। मेथी दाना, कलौजी, मंगरैल भी इसे कहते हैं। लहसुन की कुछ कलियां हैं और हींग के फायदे तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा हमने ले लिया हींग। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रख देते हैं गैस पर कढ़ाई। हमने रख दिया है गैस पर कढ़ाई, ऑन कर दिया है गैस को। डाल देते हैं सरसों का तेल, आप जो भी तेल खाते हो वो ये यूज करें। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें तड़का लगाएंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम डाल देते हैं मेथी दाना। लहसुन की कलियां हम डाल देंगे, लहसुन की कलियां हम डाल देंगे। मंगरैल भी डाल देंगे। जो हमने लाल मिर्चा लिया हुआ था उसे तोड़ करके डाल देते हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिर्चा डालें कम या ज्यादा। थोड़ा सा इसे जलने देते हैं तड़के को। मंगरैल डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाता है, तो आप मंगरैल जरूर डालें इस सब्जी में। अब डाल देते हैं हींग। तड़का हमारा अच्छे से जल चुका है, अब डाल देते हैं सब्जी को। चला देते हैं इसे। हम इसमें किसी भी मसाले का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर भी यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होगी। ढक देंगे इसे। गैस का आंच हम मीडियम रखेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे खोल करके चेक करेंगे।
थोड़ी देर हो चुका है, सब्जी को हम खोल करके देख लेते हैं। हल्का हल्का सब्जी हमारा देखिए गलना शुरू हो गया है। इसमें डाल देते हैं हम स्वादानुसार नमक। इसे मिला देते हैं नमक को। अब हमने जो आपको बताया था कि हम कुछ ऐसा इसमें डालेंगे सब्जी में जिससे हमारे सब्जी का टेस्ट दोगुना हो जाएगा, तो ये है गुड़। आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही टुकड़ा है। इसे हम इस तरह से नमक डालने के बाद तोड़ करके सब्जी में डाल देंगे। गुड़ गुड़ों का खजाना होता है दोस्तों। तो देखिए हमने डाल दिया है गुड़ को, या धीरे धीरे डालते ही मेल्ट होने लगता है। इसको हम अच्छी प्रकार से सब्जी में मिला देंगे। नमक पड़ते ही देखिए पानी छोड़ने लगता है सब्जी हमारा, तो हम इसे ढक देते हैं फिर से। मीडियम आंच कर लेंगे हम। सब्जी को ढकने के बाद हम इसे खोल करके बीच बीच में चलाते रहेंगे। खोल करके हम देख लेते हैं एक बार और सब्जी को। देखिए पानी हमारा जल चुका है लगभग, और कद्दू भी हमारा बिल्कुल गल चुका है। आप इसे बहुत ज़्यादा ना चलाएं, इसका नहीं तो पेट खराब हो जाएगा सब्जी का, टूट जाएगी सब्जी हमारी। कद्दू बहुत ही जल्दी गल जाता है। गुड़ डालने से देखिए सब्जी का कलर कितना बढ़िया आ गया है, बहुत ही सुंदर सी दिख रही है हमारी सब्जी। ढक करके हम बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे जिससे अच्छे से हमारी सब्जी सौंधी हो जाए। सब्जी को हम खोल करके देख लेते हैं कि सब्जी हमारी अच्छे से सौंधी हो गई है या नहीं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमारी सब्जी बन चुकी है। थोड़ी देर इसी तरह हम खोल करके इसे सौंधा थोड़ा सा करेंगे। अगर आपके यहाँ गुड़ ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों गुड़ डालने से सब्जी अब बहुत ही टेस्टी बनती है। सब्जी हमारी दोस्तों बन चुकी है। बंद कर देते हैं गैस को और निकाल लेते हैं सब्जी को अलग प्लेट में। सब्जी दोस्तों हमारी बन करके तैयार है, हमने निकाल लिया है इसे प्लेट में। बहुत ही अच्छी सब्जी टेस्टी हमारी बनी हुई है। आप इस सब्जी को पूड़ी पराठा चावल दाल किसी के साथ में भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसे एक बार जरूर बना करके ट्राई करिए दोस्तों। अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।